और जब आप हक और सच का अलम उठाते हैं या उसके लिए आप अपनी जिंदगी वक्फ करते हैं तो फिर आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। BDC कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, ये तकरीबन पिछले पौने दो सालों की कहानी। हम आईन और कानून के तहत जब एहतजाज करें तो फिर दफा 144 है पर्चे कटते हैं, अगले सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई करें, धमकियां दें चीफ जस्टिस को, निज़ाम को, वो इख्तदार के मज़े भी लूट रहे हैं। दो नंबर तरीके से फॉर्म 47 के थ्रू वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान, काबीना और तैवान का जो इन्होंने हाल कर दिया है, अकवाम आलम में पाकिस्तान की जो तहसीब का सबक ये लोग बन रहे हैं, उससे बात को बताना ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह 8 फरवरी को इनको रिजेक्ट किया जलाल के फजल से, ये हर अंधेरे के बाद रोशनी है। पाकिस्तान इंशाल्लाह एक हरकमंद कौम बनने जा रही है, जो खुददार कौम होती है उसने तमाम आजमाइशों के बावजूद जिस तरह पंजाब की माँ और बुजुर्गों को सलाम, जवानों को सलाम, बेटियों को सलाम, इसी तरह सिंध की, बलोचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की एक हैरतमंद कौम है। हम अपने फैसले खुद करेंगे और इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह ही हमारा ईमान और यकीन है कि ये मुल्क उस सोच और फिक्र से आज़ाद होगा जिसके फैसले अख्तियार करते हैं। और रही बात वो लोग जो सियासी मदारी, जो फौज और तहरीक इंसाफ को आपस में लड़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा क्लियर है, फौज भी हमारी है, हम सब एक हैं, एक पेज पे हम मुल्क को एक हसीन काम बनाने का जो ख्वाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इलाम इकबाल ने देखा, उसको अल्लाह की फजल से अमली जामा पहनाने के लिए हमारा लीडर 71 साल की उम्र में बंदे सलासल और वो जुल्म और बर्बरी जो वो बर्दाश्त कर रही है, और फिर हमारी माएँ बहनें जवान जितने भी चाहे वो जहाँ पे भी जेलों में जिन आजमाइशों से गुजरे हैं, उनके प्यारे गुजर रहे हैं, उनकी गुरसा गुजर रहे हैं, तो सिर्फ आपके लिए मैसेज ये है, हक और सच का कलम उठाया हुआ है, हम कानून और आइन की पासदारी करते हुए हर अदालत में जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ रब का और फिर अपनी लीगल फ्रेटर्निटी का, ILF का, नईम कुंजोता साहब और बाकी वो तमाम वकला जो हमारे पूरे पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट के हर तहसील में, सलाम है इनकी खैरत को, सलाम है इनकी कमिटमेंट को। हमसे 1 रुपया, मैं एक दिन अली मोहम्मद खान को शुरू में बताने लगा कि जी मचल के कुछ पैसे इन्होंने देने थे, तो मैंने कहा कि पैसे हम देंगे, लगे जी शहजार भाई आज आपने ये बात की है और यही बात इन्होंने अली मोहम्मद खान को भी, आइंदा आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी, हम अगर खड़े हैं खान के साथ, पार्टी के साथ और आप लोगों के साथ, तो हम नजरी की बुनियाद पर खड़े हैं, हम भी अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, इन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हैं। तो लीगल फ्रेटर्निटी जब जागती है तो कौम जागती है, कौम की आस और उम्मीद है लीगल फ्रेटर्निटी पार्लियामान के अंदर हो, पार्लियामान से बाहर हो। सिर्फ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कानून और आईन के दायरे के अंदर अपने तमाम चाहे सभी लेना भी जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हक और सच कलम उस वक्त तक उठाएंगे रखेंगे जब तक हकीकत के साथ।